में मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल हो रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी की सदस्यता ली है। तो मंच पर मौजूद हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोलकाता में आज वो पहुंचे हैं और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के स्वागत जानाबेन, हाथ ताली दिए बांग्ला मोदी के चाय, जोरे हाथ ताली देबेन। एई बार जनसलाब आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, उन्हें सुनने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त मंच पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बीजेपी की एक बड़ी रैली, प्रधानमंत्री इस रैली में शामिल हो रहे हैं। तो मिथुन चक्रवर्ती जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है वो भी पीएम की इस रैली में शामिल हो रहे हैं। मंच पर इस वक्त मौजूद है तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिथुन चक्रवर्ती को आप देख रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने आज बीजेपी की सदस्यता ली है। तो फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आज उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली और ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मौजूद हैं इस वक्त पीएम मोदी और कुछ देर में वो रैली को संबोधित करेंगे। जनसैलाब देखिए आप, बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। मंच पर तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर मौजूद और इस वक्त चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई हुई। कोलकाता की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और बीजेपी की प्रधानमंत्री की बड़ी रैली ब्रिगेड परेड मैदान में और यहां पर मंच पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, जिन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। और आज ही मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी की सदस्यता ली है और अब से कुछ देर पहले उन्होंने मंच पर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया, उनसे मुलाकात की। इस वक्त मंच पर मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद हैं जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। और ब्रिगेड परेड मैदान में इस वक्त सभी पीएम मोदी को सुनने का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और भारी जनसैलाब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के झंडे हाथ में लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर न केवल कार्यकर्ता बल्कि बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। ब्रिगेड परेड मैदान की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे, जिसे सुनने के लिए लोग यहाँ पहुंचे हैं। मिथुन चक्रवर्ती भी मंच पर मौजूद हैं जिन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता ली है। और अब प्रधानमंत्री मोदी लोगों के को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पश्चिम बंगाल के, कोलकाता के बहनों और भाइयों को
मेरा सादर प्रणाम। राजनीतिक जीवन में सैकड़ों रैलियों को संबोधन करने का सौभाग्य मिला है, लेकिन इतने बड़े लंबे कार्यकाल में मैंने कभी इतने बड़े विशाल जनसमूह का हमें आशीर्वाद मिला हो ऐसा दृश्य मुझे आज देखने को मिला। जब मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, मैदान में तो जगह नजर नहीं आ रही है, लेकिन मैं देख रहा था सारे रास्ते इतने भरे पड़े हैं, लोग भागते हुए इधर की तरफ चल रहे हैं। मैं नहीं मानता हूं कि वो पहुंच पाएंगे। मैं फिर एक बार इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको सादर फिर से एक बार प्रणाम करता हूं। बंगाल की इस धरती ने हमारे संस्कारों को ऊर्जा दी है। बंगाल की इस धरती ने भारत की आजादी के आंदोलन में नए प्राण फूंके हैं। बंगाल की इस धरती ने ज्ञान विज्ञान में भारत का गौरव बढ़ाया है। बंगाल से निकले महान व्यक्तित्वों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त किया है। बंगाल की इस धरती ने एक विधान एक निशान एक प्रधान के लिए बलिदान देने वाले महान सपूत हमें दिया। ऐसी पावन मिट्टी को मैं अनेक अनेक बार नमन करता हूं। साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड पर मुझे फिर एक बार आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। ब्रिगेड ग्राउंड के आसपास एक तरफ स्वामी विवेकानंद जी का जन्म स्थान है, दूसरी तरफ नेताजी सुभाष बाबू का निवास स्थान है, एक तरफ महर्षि श्री अरविंदो का जन्म स्थान है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म स्थान है। ये कोलकाता, बंगाल और पूरे भारत की बहुत बड़ी प्रेरणा स्थली है। बीते दशकों में ब्रिगेड ग्राउंड में अनेकों बार ये नारा गूंजा है, ब्रिगेड चलो। सुना है ना, ब्रिगेड चलो। इस ग्राउंड ने अनेक देशभक्तों को देखा है, लेकिन ये ग्राउंड बंगाल के विकास में रोड़ा अटकाने वालों का भी गवाह रहा है। बंगाल की भूमि को 2400 घंटे हड़ताल और बंद में झोंक देने वालों की नीतियां और साजिशें भी इस ग्राउंड ने देखी है। इन लोगों ने बंगाल की इस महान भूमि का जो हाल किया,
वो पीढ़ी दर पीढ़ी बंगाल के लोगों ने सहा है, बर्दाश्त किया है। लेकिन ये बंगाल के लोगों की महानता है, ये बंगाल के लोगों की अदम्य इच्छा शक्ति है कि उन्होंने बंगाल में परिवर्तन की उम्मीदों को कभी छोड़ा नहीं। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ही ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। इन लोगों ने बंगाल को अपमानित किया, यहां की बहन बेटियों पर अत्याचार किया। लेकिन ये लोग बंगाल की उम्मीद, यहां के लोगों का हौसला कभी भी तोड़ नहीं पाए। आज जो ये जनसागर मौजूद है वो इस उम्मीद की, इस हौसले की जीती जागती तस्वीर है। बांग्ला चाय उन्नति, बांग्ला चाय शांति, बांग्ला चाय प्रगतिशील बांग्ला, बांग्ला चाय सोनार बांग्ला। मैं देख रहा हूं इस बार के विधानसभा चुनाव में एक तरफ टीएमसी है, लेफ्ट कांग्रेस है, उनका बंगाल विरोधी रवैया है, और ये चुनाव ऐसा है कि दूसरी तरफ खुद बंगाल की जनता कमर कस करके खड़ी हो गई है। आज भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए लाखों लोगों का यहां आना, लाखों लोगों का पूरे प्रदेश भर में निरंतर आशीर्वाद बनाए रखना, सामान्य मानवी हो, बंगाल के बौद्धिक जन हो, कला जगत के लोग हो, सभी अपना प्रेम अपने आशीर्वाद बरसा रहे हैं। सबके दिल में एक ही इच्छा है, हमारा बंगाल विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, आज ब्रिगेड ग्राउंड में आप लोगों की हुंकार, ये हुंकार सुनने के बाद अब किसी को कोई संदेह नहीं रह जाएगा। शायद कुछ लोगों को तो लगता होगा आज 2 मई आ गई है। भाइयों बहनों, पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, हाथ ऊपर करके बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। साथियों,
भारत माता के इस जयकारे की गूंज बंगाल के कोने कोने तक जा रही है। भारत माता के आशीर्वाद से सोनार बांग्ला का संकल्प जरूर सिद्ध होके रहेगा। यहां आया एक एक व्यक्ति, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बंगाल का युवा आज बंगाल में आशोल परिवर्तन के लिए आया है। आशोल परिवर्तन, मैं इस ब्रिगेड ग्राउंड से आपको इस आशोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूं। विश्वास बंगाल के विकास का, विश्वास बंगाल में स्थितियों को बदलने का, विश्वास बंगाल में निवेश बढ़ाने का, उद्योग बढ़ाने का, विश्वास बंगाल के पुनर्निर्माण का, विश्वास बंगाल की संस्कृति और यहां की परंपराओं की रक्षा का मैं विश्वास दिलाने आया हूं कि आपके लिए, यहां के नौजवानों के लिए, यहां के किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, यहां की बहनों बेटियों के विकास के लिए हम 24 घंटे दिन रात मेहनत से काम करेंगे। हम मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। हम पल पल आपके लिए जिएंगे, हम पल पल आपके सपनों के लिए जिएंगे, ये विश्वास दिलाने में आया। हम आपकी सेवा करेंगे, आपका आशीर्वाद लेंगे, आपका दिल सिर्फ चुनाव में नहीं, हर पल आपका दिल जीतते रहेंगे। अपने काम के द्वारा, सेवा के द्वारा, समर्पण के द्वारा, परिश्रम के द्वारा यहां जो भाजपा की सरकार बनेगी, उसकी नीति, उसके निर्णयों में बंगाल के लोगों का हित ये सुप्रीम होगा, बंगाल के लोगों का हित ये सर्वोपरि होगा। यहां जो भाजपा की सरकार बनेगी, आशोल परिवर्तन का मंत्र उसकी प्रेरणा होगा, उसके परिश्रम का आधार होगा। आशोल परिवर्तन का मतलब, आशोल परिवर्तन का मतलब ऐसा बंगाल जहां युवाओं को शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां लोगों को पलायन करने पर मजबूर न होना पड़े। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां व्यापार और कारोबार फले फूले, जहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आए। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां गरीब से गरीब को भी आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां हर क्षेत्र, हर वर्ग की विकास में बराबर की भागीदारी होगी। उत्तर बंगाल हो या दक्षिण बंगाल हो,
पश्चिमांचल हो या जंगल महल, आदिवासी हो या दलित, पिछड़े हो, वंचित हो, शोषित हो या हमारे शरणार्थी भाई बहन, सभी पर एक बराबर ध्यान दिया जाएगा। जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास शासन का मंत्र होगा, जहां उन्नयन सबका होगा, तुष्टिकरण किसी का नहीं, जहां घुसपैठ को रोका जाएगा, घुसपैठियों को रोका जाएगा। साथियों, गुलामी का इतना बड़ा कालखंड भी बंगाल की क्षमता, बंगाल के सामर्थ्य को कम नहीं कर सका था। आजादी के इन 75 वर्षों में बंगाल ने जो खोया है, बंगाल से जो छीना गया है, वो मुझसे ज्यादा आप लोग ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। आज हम इस संकल्प के साथ भी आपके सामने आए हैं कि जो भी बंगाल से छीना गया है, भाइयों बहनों मेरे शब्द लिख रखिए, जो भी बंगाल से छीना गया है उसे वापस लौटाएंगे। आज जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो बंगाल एक नई ऊर्जा, एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। देश की तरह ही बंगाल के विकास के लिए भी अगले 25 साल बहुत अहम है। इन 25 वर्षों की शुरुआत का पहला पड़ाव ये विधानसभा चुनाव है। अगले 5 वर्षों में बंगाल का विकास अगले 25 वर्षों के विकास का आधार बनाएगा। इसलिए इस बार आप सिर्फ बंगाल में सरकार बनाने के लिए वोट नहीं देंगे, लेकिन बंगाल को बनाने के लिए, बंगाल को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए वोट डालेंगे। जब 2047 में 25 साल के बाद देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, तब बंगाल सारे हिंदुस्तान को फिर से एक बार आगे ले जाने वाला बंगाल बन जाएगा। बंगाल में पोर्ट से लेकर के एक्सपोर्ट तक, टी से लेकर टूरिज्म तक, माछ की बात हो या भात की बात, पश्चिम बंगाल की माटी और समंदर में सब कुछ है जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। बस यही नीति साफ नियत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। यहां बनने वाली भाजपा सरकार, एनडीए सरकार इसी सोच से आगे बढ़ेगी। भाइयों और बहनों, कोलकाता तो सिटी ऑफ जॉय है। कोलकाता के पास समृद्ध अतीत की विरासत भी है और भविष्य की संभावनाएं भी है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोलकाता के कल्चर को सुरक्षित रखते हुए इसे सिटी ऑफ फ्यूचर न बनाया जा सके।
कुछ दिन पहले ही देश के टॉप शहरों की लिस्ट निकली है। ये हर बंगालवासी की अपेक्षा है कि कोलकाता भी इस लिस्ट में टॉप के शहरों में हो। इसके लिए चाहे कनेक्टिविटी सुधारना हो, नए नए उद्योगों की स्थापना हो, टेक्नोलॉजी का विस्तार करना हो, स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल बनाना हो, हम पूरे कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। आपने देखा होगा कोलकाता मेट्रो का विस्तार अब और तेजी से किया जा रहा है। केंद्र की हमारी सरकार ने कोलकाता की धरोहरों को सजाने संवारने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। जब कोलकाता में विकास का डबल इंजन लग जाएगा तो वो रोड़े वो अड़चने भी खत्म हो जाएगी। जो भी कदम कदम पर हमें अनुभव होती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी कमीशनबाजी की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट से जुड़े हुए कई काम देखिए कब तक रुके हुए हैं। ऐसे रुके हुए हर काम को भाजपा सरकार में तेज गति दी जाएगी। यहां के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को भाजपा सरकार में नई ऊर्जा मिलेगी। शहर में नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, अधूरे फ्लाईओवर्स को समय सीमा में पूरा किया जाएगा। भाजपा सरकार बनने के बाद कोलकाता में झुग्गियों में रहने वाले को भी पक्के घर मिलेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, रेहड़ी और ठेला लगाने वाले हमारे भाई बहनों को भी भाजपा सरकार में स्वनिधि योजना का लाभ तेज गति से दिलाया जाएगा। साथियों, कोलकाता के साथ ही बंगाल के दूसरे शहरों में भी आत्मनिर्भर भारत को ऊर्जा देने की भरपूर क्षमता है। भाजपा सरकार में इन शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जाएगा ताकि वहां पढ़ाई, कमाई और बुजुर्गों के लिए दवाई के नए साधन विकसित किए जा सके। पश्चिम बंगाल में फूड प्रोसेसिंग और पोर्ट लेड डेवलपमेंट की भरपूर संभावनाएं हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इन उद्योगों में निवेश को यहां प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे किसानों से लेकर मछुआरों तक हर किसी को लाभ मिलेगा। बहनों और भाइयों, पश्चिम बंगाल में आशोल परिवर्तन के लिए गांव और शहरों के स्थानीय शासन यानी ग्राम पंचायत, नगर निगम और नगर पालिकाओं के शासन में पूरी पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस तरह से तहस नहस किया गया है वो आप भली भांति जानते हैं। इस व्यवस्था को बंगाल में भाजपा फिर से मजबूत करेगी। सरकारी सिस्टम पर, पुलिस पर, प्रशासन पर जनता का विश्वास जागे, हम वो परिवर्तन लेके रहेंगे, ये हम लाएंगे। भाजपा सरकार में एग्जाम से लेकर के ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट तक
पारदर्शी व्यवस्था फिर से खड़ी होगी। स्किल डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को यहां ईमानदारी से लागू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विस्तार को भी बल दिया जाएगा। इंजीनियरिंग, डॉक्टर, टेक्नोलॉजी ऐसे विषयों की पढ़ाई बांग्ला भाषा में भी हो, इस पर भी जोर दिया जाए।